अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में जहां लगभग 3 एकड़ से अधिक क्षेत्र में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा, तो वहीं अब 70 एकड़ को लेकर भी मास्टर प्लान तैयार किए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। ट्रस्ट निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में परिसर के विस्तार के सहित तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया गया है। इसके साथ ही अब अस्थायी कार्यालय राम मंदिर ट्रस्ट का अस्थायी कार्यालय बनाने के लिए भी शिलान्यास किया गया। कहीं ना कहीं अयोध्या में जिस प्रकार से राम मंदिर के न्यू भरे जाने के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, और अब मंदिर निर्माण के साथ साथ मंदिर से जुड़े हर पहलुओं पर विचार कर उनके कार्यों को शुरू कर दिया गया है। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ रामलला का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं पर चर्चा किया गया। परिसर में यात्रियों को लेकर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ, इसके साथ ही अयोध्या में देश विदेश से आने वाले पर्यटक सीधे राम जन्मभूमि तक पहुँचें, इसके लिए सुगम व्यवस्था बनाए जाने के लिए जिला प्रशासन के साथ बैठक की गई। बैठक में निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र व ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित अन्य ट्रस्टी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य भी अब तेज गति से शुरू कर दिया गया है। मंदिर निर्माण के साथ मंदिर की सुरक्षा के लिए रिटर्निंग वाल बनाए जाने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। इसके साथ ही ट्रस्ट अब अस्थायी कार्यालय के रूप में रामकोट परिसर में ही 20,000 वर्ग फीट पर एक भव्य भवन का निर्माण कराएगा, जहां अस्थायी कार्यालय के रूप में विकसित होगा। कोटा का अभी फाइनल चर्चा चल रही है, और कोटे का जो स्वरूप है उसमें कुछ मंदिर भी आएंगे, लेकिन क्या होगा अभी उसमें बहुत डिटेलिंग नहीं हुई है। कौन कौन से मंदिर होंगे अभी कुछ नहीं बता सकते। मंदिर बनेंगे सेफ आकार, जैसे गवर्नर हाउस बनता है बीच में सिक्योरिटी के लिए रहता है, जब मंदिर आकार बीच में चारों तरफ 4 मंदिरों के आकार रहेंगे, तो अब उसमें कौन से मंदिर होंगे अभी कोई चर्चा नहीं हुई। मंदिरों के आकार के चारों कोनों पर 4 मंदिरों का आकार परकोटे में निर्माण किया जा रहा है। अब वो मंदिर क्या होगा ये इस पर चर्चा नहीं है अभी, लेकिन मंदिर के आकार में परकोटे का निर्माण हो रहा है, चारों कोनों पर 4 मंदिर का आकार रहेगा। कितने रास्ते होंगे आने जाने का? रास्ता प्रवेश का एक ही रहेगा, निकास का एक रास्ता रहेगा, अब इमरजेंसी आदि के लिए अलग रास्ते रहेंगे, लेकिन आने जाने का तो 2 ही रास्ता अंदर रहेगा दर्शन का, प्रवेश मार्ग तो एक ही रहता है। राम जन्मभूमि परिसर के 70 एकड़ भूमि पर कई योजनाओं से पूरे परिसर को विकसित किया जाएगा, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट अब अंतिम मोहर लगाने पर जो है मंथन शुरू कर दिया है। तमाम योजनाएं किससे के द्वारा जो है आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम का दर्शन सुविधाजनक हो, इस पर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अयोध्या के लिए अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।